आज ग्रेटर नोएडा दौरे पर रहे अमित शाह, शाह ने लगाया 4 करोड़वां पौधा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रयास को बताया सराहनीय। Y20 सम्मेलन का सीएम योगी ने किया उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। अनुराग ठाकुर ने कहा सरकार युवाओं के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही। वाराणसी में यूथ 20 सम्मेलन की हुई शुरुआत, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया गया उद्घाटन, विपक्ष पर जमकर बरसे अनुराग ठाकुर। यूपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 24 घंटे के अंदर किया हत्या का खुलासा, आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने उठाया बड़ा कदम, श्रद्धालुओं के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर, श्रद्धालुओं की मदद के लिए कंट्रोल रूम में 24 घंटे मौजूद रहेंगे अधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह के ग्रेटर नोएडा स्थित केंद्र में पहुंचे, वहां उन्होंने 4 करोड़वां पौधा लगाया। पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर पौधारोपण का अभियान चलाने का निर्णय सरकार की ओर से लिया गया। 3 साल पहले विभागीय स्तर पर 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया। अमित शाह ने कहा कि मंत्रालय में जब इस प्रकार की चर्चा हुई और अभियान को शुरू किया गया तो कई लोगों को संशय था। दिसंबर 2023 तक 5 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को हासिल किए जाने को लेकर अधिकारियों में खुसर फुसुर होने लगी। मैं मंत्री था, मेरे सामने तो नहीं, मेरे पीछे यह बात होती थी कि आखिर हम 5 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को किस प्रकार पूरा कर पाएंगे। आज हमने 4 करोड़वां पौधा लगाया, इसी के साथ मेरा भरोसा पुख्ता हो गया कि दिसंबर तक हम 5 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे को देश ही नहीं वैश्विक स्तर पर उठाया है, इसके लिए प्रयासों की अगुवाई की है। साथ ही इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मित्रों, जब हम एक वृक्ष को लगाते हैं तब कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक हम नई पीढ़ी को ऑक्सीजन देने की व्यवस्था करते हैं। जिस तरह का पॉल्यूशन हम जनरेट कर रहे हैं, इससे ओजोन के लेयर में छेद निर्मित हो रहा है और ओजोन के लेयर में छेद निर्मित जो हो रहा है वो बहुत बड़े होने के बाद ये पृथ्वी सूर्य के किरणों को सीधा झेल नहीं पाती और जो उष्णतामान, जो तापमान बढ़ेगा वो पृथ्वी को मानव जीवन के लिए सुरक्षित नहीं रखेगा। उसको बचाने का एकमात्र रास्ता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष बोए और कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड की निर्मिति करें। सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गुरुवार को वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं आज शुक्रवार को सीएम योगी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित यूथ 20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और यूपी सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। सीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को लेकर कई योजनाओं का संचालन कर रही है। G20 देशों के 600 से अधिक युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारत युवाओं का देश है। आज भारत तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में योग्यता की कमी नहीं है। पीएम मोदी के कार्यकाल की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में आज भारत का मान बढ़ा है, वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान है और अमृतकाल में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। सीएम ने कहा कि हमारी परंपरा पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह मानने की रही है। साथ ही इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की यह त्रिवेणी हमें विशिष्ट बनाती है। नित्य नूतन चिर पुरातन संस्कृति की सुदृढ़ नींव पर हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करते हुए अमृत काल के प्रथम वर्ष में
G20 के इस प्रतिष्ठित आयोजन की अध्यक्षता कर रहा है। हर भारतवासी न केवल इन आयोजनों के प्रति लालायित है बल्कि अपने आप को वैश्विक मंच पर एक उभरते हुए भारत के रूप में प्रस्तुत करने में गौरवान्वित भी महसूस करता है। G20 सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 17 से 20 अगस्त तक होने वाले 4 दिवसीय आयोजन का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर कई तंज कसे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इतिहास से कुछ सीखना चाहिए, न कि उसे भूल जाना चाहिए। जैसे विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का कारण है कि उन लोगों के दर्द को जानना जिन्होंने अपने को खोया। उस समय सत्ता का सुख भोगने के लिए कांग्रेस ने भारत माता की भुजाओं को काटने का काम किया था। अनुराग ठाकुर ने मणिपुर की घटना पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मणिपुर में शांति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, विपक्ष से अनुरोध है कि आग में घी डालने का काम न करें। साथ ही इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्ते, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट मी फर्स्ट वेलकम all the Y20 delegates from India and abroad who have come all the way to this one of the oldest city in the world and the holy city of Varanasi. I welcome you all and also the man who is known for his commitment, for his dynamism, and the Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, on this Y20 summit. लोटन कोतवाली क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक की हत्या की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। बता दें कि कल लोटन कोतवाली क्षेत्र के सिमहरना गांव के एक चक्रोड पर खून से लथपथ 20 वर्षीय युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान थाना क्षेत्र लोटन के गांव बरवा के निवासी रोहित के रूप में हुई थी। मौके पर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का जायजा भी लिया था, जिसके बाद पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक रोहित ने 3 महीने पहले ही उसे जेल भिजवा दिया था। तभी आरोपी ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी और हत्या कर वहां से भाग निकला, और साथ ही आरोपी नेपाल भागने के फिराक में था। तभी पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल ने SOG और सर्विलांस की सराहनीय कार्य के लिए प्रशंसा की और 5,000 रुपए की राशि से पुरस्कृत किया। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 24 घंटे के अंदर 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पुरानी रंजिश को लेकर सही मौके की तलाश कर हत्या कर दिया और आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। भविष्य में गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। थाना लोटन क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति का शव मिला था। तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौका मुआयना किया गया था और टीम बनाकर के घटना का खुलासा का निर्देश दिए गए। उसी के क्रम में आज 24 घंटा में घटना का सफल अनावरण किया गया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जिला अधिकारी पुलकित खरे के निर्देश पर जनपद मथुरा में आने वाले सभी श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर और उसके संचालन हेतु पर्यटक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। विगत 3 माह के प्रयासों से BSNL के माध्यम से पर्यटक हेल्पलाइन नंबर 1860180158 प्राप्त हो गया है। इसके संचालन हेतु पर्यटक कंट्रोल रूम को स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत संचालित ITMS कक्ष के साथ संचालित किया जाएगा। इस कंट्रोल रूम में 24 घंटे शिफ्टवार पुलिस, पर्यटन नगर निगम, राजस्व, रोडवेज और रेलवे के कर्मचारी बैठना सुनिश्चित करेंगे। इस पर्यटक कंट्रोल रूम के नोडल अधिकारी अपर नगर आयुक्त स्तर के अधिकारी को नामित किया जाएगा। पर्यटक हेल्पलाइन नंबर पर आने वाले कॉल्स, सुझाव और समस्याओं को एक रजिस्टर में नोट कर उनका तत्काल निस्तारण संबंधित विभाग से कराते हुए पर्यटक को सूचित कराया जाएगा। श्री खरे के निर्देश पर दिए गए जनपद के प्रमुख चौराहा और पर्यटक स्थलों पर ग्लो शाइन बोर्ड के माध्यम से मथुरा पर्यटक हेल्पलाइन नंबर 1860180158 का अंकन मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के माध्यम से कराया जाए।
हेल्पलाइन नंबर का पायलट ट्रायल 1 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी से पूर्व मथुरा के बीएसए कॉलेज पर आज एनएसयूआई छात्र के नेताओं ने छात्र संघ के चुनाव न होने और बीएसए कॉलेज में लगातार हो रही फीस बढ़ोतरी को लेकर एक ज्ञापन प्राचार्य की अनुपस्थिति में लॉ डिपार्टमेंट के हेड एस के राय को सौंपा है। जानकारी देते हुए एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष एडवोकेट हरीश पचौरी ने कहा कि एनएसयूआई प्रदेश में लगातार छात्र संघ का चुनाव न होने को लेकर आवाज उठा रही है। प्रदेश सरकार और यूनिवर्सिटी को यह भय है कि अगर छात्र संघ के चुनाव हो गए तो जगह जगह छात्र नेता पैदा हो जाएंगे, जो कॉलेजों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसका खुलासा हो जाएगा, इसी वजह से वह चुनाव नहीं करा रहे हैं। हमारी मांग है कि सत्र में छात्र संघ के चुनाव कराए जाएं। साथ ही उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज द्वारा फीस में कई गुना बढ़ोतरी की गई है, जिससे छात्रों को आर्थिक हानि हो रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सुबह प्राचार्य ललित मोहन शर्मा महाविद्यालय परिसर में ही थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही हमारे कार्यकर्ताओं को देखा वह महाविद्यालय से चले गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस पद पर बैठकर हिटलर शाही करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने अन्य की मांगे भी रखी। वहीं कॉलेज प्रशासन ने जल्द उनकी मांगे पूरी होने का आश्वासन दिया और यह भी माना कि कॉलेज में फीस बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन उसका इस्तेमाल कॉलेज की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, आज हमने विभिन्न प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी पहली मांग है छात्र संघ चुनाव, क्योंकि छात्र संघ चुनाव की मांग पूरे प्रदेश स्तर पर एनएसयूआई उठाती आ रही है। आप देखिए सरकार और महाविद्यालय कितना डरता है। सरकार ने बोला हमने जियो दे दिया छात्र संघ चुनाव का, पर महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी चुनाव नहीं करा रही है, क्योंकि इन्हें डर है अगर छात्र संघ चुनाव करा दिया तो छात्र नेता पैदा हो जाएंगे और इनकी जो भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं उसकी जड़ें ये हिला देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है। साइबर क्राइम के माध्यम से भोले भाले लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं और ठगी होने के बाद पीड़ित पुलिस चौकी, थाना और पुलिस के आला अधिकारियों के पास जाकर गुहार लगाते हैं, लेकिन उन्हें कोई न्याय नहीं मिल पाता है। साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि साइबर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हो और भोले भाले लोग साइबर ठगी से बच सके। इसी क्रम में साइबर अपराध रोकने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के एनजीओ भी बनाए गए हैं, जिससे कि लोगों को जागरूक करें और साइबर ठगी से बचा सकें। इसी कड़ी में अपराध निरोधक समिति लखनऊ, उत्तर प्रदेश शासन जेल मैनुअल के पदाधिकारी और प्रभारी उत्तर प्रदेश मथुरा आए और उन्होंने प्रथम बार मथुरा आकर उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के सदस्य बनाए गए, जिसमें एक जेल पर्यवेक्षक और 4 सदस्य बनाए गए, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष असीम, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं, उनके आह्वान पर मथुरा आए। उत्तर प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी ने विष्णु राजपूत को मथुरा का जेल पर्यवेक्षक और शैलेंद्र पचौरी सहित 4 को सदस्य बनाया है। उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हैं, जब से योगी बाबा आए हैं तब से क्राइम ना के बराबर रह गया है। क्राइम बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, मानो जैसे पहले सड़कों पर लूट ले जाते थे, आज की तारीख में आप कितने भी बजे रात को निकल जाओ लूटने का प्रयास कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं या तो जेल में रहूँगा या ऊपर जाऊँगा सीधा। सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र उसका बाजार से है, जहां पुराना पीपल के पेड़ गिरने से 17 साल की लड़की बुरी तरह से घायल हो गई। आपको बता दें कि पेड़ गिरने से लड़की नीचे दब गई, जिसकी वजह से वो घायल हो गई। वहीं घटना स्थल पर SHO दिनेश कुमार सरोज पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने लड़की को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने लड़की को मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर रेफर कर दिया, जहां फिलहाल लड़की का इलाज चल रहा है। बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।